पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज मुरादाबाद मंडल के सभी ब्लॉक प्रमुखों और अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। मुरादाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर बोलते हुए कहा कि ये बात सही है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, फर्क इतना है कि हम भूतपूर्व हिंदू हैं, वो अभूतपूर्व है। बस अंतर इतना सा है कि हमारे पुरखों ने इस्लामी आक्रमणकारियों का सामना किया लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। लोगों के पुरखों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, अब उन्हें याद है। यदि वो अभूतपूर्व से वर्तमान होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं और जनता का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। विपक्ष चुनाव के मैदान में 2024 में कहीं है ही नहीं, एक तरफा मोदी की लहर चल रही है। 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी पूरी है, पूरा भारत मोदी में है, तीसरी बार मोदी की बारी है। देखिए कौन डरा हुआ है, यह मैं समझता हूं कि आप सभी मेरे जितने पत्रकार साथी हैं, इसमें से मैं किसी को भी अगर ये कहूंगा कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की वोट नहीं देगा तो मैं आपके साथ अन्याय करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका भी समर्थन मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको मिलने वाला है। तो आप इसका स्वयं अपने से सोचिएगा, उत्तर मैं नहीं चाहता आपसे, आप मुझसे जरूर उत्तर चाहते हैं। विपक्ष चुनाव के मैदान में 2024 में कहीं है ही नहीं, एक तरफा माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है, पूरा भारत मोदीमय है, तीसरी बार मोदी जी की ही बारी है। सर अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। अखिलेश यादव जी की बात आप 2014 से सुन रहे हैं, उनकी कोई बात जनता ने सिद्ध किया है क्या? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे, इसलिए उनकी बातों का उतना मतलब महत्व नहीं है जितना महत्व होना चाहिए। सपा समाजवादी पार्टी बनना सुनिश्चित है, सपा का कोई भविष्य नहीं है, समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, बसपा समाप्ति की ओर है, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, उत्तर प्रदेश से पहले ही मुक्त हो गए। इंडिया गठबंधन क्या कहेंगे, किसी को बना विपक्ष, विपक्ष का गठबंधन देंगे तो कोई फर्क नहीं, विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उस पर क्या कहेंगे? वो गठबंधन है, केवल स्वार्थी गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, तुष्टिकरण गठबंधन है। और प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, भारत छोड़ो का नारा दे दिया है। भ्रष्टाचार राशन के विषय में आपने कहा था सर, पुनर्की में काला बाजारी चल रही है सस्ते राशन की बड़े लेवल पर सर, अभी कल खबर प्रकाशित हुई और धमकियां मिल रही लगातार। नहीं, आप धमकी से मत डरिए, कोई धमकाएगा सुरक्षा देंगे आपको, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार होगा तो आप उसे जरूर उजागर करिए और उससे अवगत कराइए, उस पर कार्रवाई करिए। आवास योजना हो, चाहे अन्न योजना हो, चाहे जल योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे सेतु योजना हो, किसी भी योजना में भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प है। भ्रष्टाचारी की जगह किसी सरकारी कुर्सी में नहीं, किसी सुविधाजनक स्थान में नहीं, उसकी जगह जेल में। गुलाम नबी आजाद साहब ने अभी कहा है कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू थे, ये सच है, वो अभूतपूर्व हिंदू है, हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं, बस अंतर इतना है क्योंकि हमारे पुरखे जो है इस्लामी आक्रमण का सामना किए, संकट सहे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़े। लेकिन जिन लोगों को पुरखों ने छोड़ दिया था उसको उसकी याद है, अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे स्वागत है, धन्यवाद। ये तो हमने सार्वजनिक कर दिया रिपोर्ट, इसीलिए तो मेरे प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश को है कि तुष्टिकरण भारत छोड़ो, दंगा तुष्टिकरण के कारण होता है, भ्रष्टाचार परिवारवाद का के कारण होता है, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति जरूरी है। चुनाव में 2024 में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पूरा मुरादाबाद मंडल कमल के फूल से खिला हुआ दिखाई देगा, आप विश्वास। सर राजभर ने सपा मुखिया पर निशाना साधा, राजभर ने दंगे के रिपोर्ट, सर राजभर ने जो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है उस पर क्या साधने दो, आप साधते रहेंगे निशाना, निशाने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
2024 में एक ही निशाना है, 80 लोकसभा जिता करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार पीएम बना दे। धन्यवाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।